हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं शो दैट बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल इनटू सर्कल। तो अगर आपको बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि आपको प्रूफ करना है कि जो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सर्कल इनटू सर्कल। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है दूसरे इक्वेशन में, और वो भी सेम इक्वेशन सर्कल का ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ सर्कल्स इंटू सर्कल्स, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल को कन्वर्ट करना है किस में, इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो उसी के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाय जेड माइनस जेड टू इक्वल टू लैम्डा, और जिसमें आपका जो लैम्डा का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ फैमिली ऑफ सर्कल। जो हमने इक्वेशन लिया फ्रेंड्स, वो आपको जेड प्लेन में लेना है, जिसमें हमारा जेड वन और जेड टू इनवर्स पॉइंट है। फिर आपको कंसिडर करना है एक बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसका क्या होता है फ्रेंड्स, इक्वेशन डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड में सी जेड प्लस डी, और यहाँ पे जो डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू है क्या है, वो इमेजेस ऑफ जेड वन एंड जेड टू है अंडर अबव ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से आपको डब्ल्यू वन का वैल्यू निकाल लेना है और डब्ल्यू टू का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी तो कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स, और जेड प्लेन में तो यहाँ पे जेड वन आ जाएगा जब डब्ल्यू वन निकालेंगे, तो सेम वैसे ही डब्ल्यू टू निकालने के लिए यहाँ पे आपको जेड टू कर देना है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन का वैल्यू निकालना है, तो हम निकालेंगे इसका वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन का वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा और यहाँ से, तो देखिए हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा ए डी माइनस बी सी जेड माइनस जेड वन डिवाइड में सी जेड प्लस डी और सी जेड वन प्लस डी। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं जो हमारा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू का वैल्यू ये वाला आना चाहिए, खाली क्या होगा, जहाँ पे आपको जेड वन दिख रहा है वहाँ पे आपको जेड टू पुट कर देना है, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएगा। उसके बाद आपको डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डिवाइड बाय डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी जो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन का वैल्यू था, और ये जो है हमारा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू का वैल्यू है। तो डिवाइड करने के बाद ये आपका मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, जिससे हमारा जी सी जेड प्लस डी सी जेड प्लस डी कट जाएगा, और क्या कटेगा फ्रेंड्स, ए डी माइनस बी सी और ए डी माइनस बी सी कट रहा है, यानी कि हमारा ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सी जेड टू प्लस डी इंटू जेड माइनस जेड वन डिवाइड में जेड माइनस जेड टू, और इसके नीचे हमारा ये वाला टर्म बच रहा था सी जेड वन प्लस डी। तो इसको आपने क्या कर लेना है, के वैल्यू दे देना है, क्योंकि हमने इक्वेशन ये वाला माना था, तो आप इसको के पुट कर सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस जेड वन डिवाइड में जेड माइनस जेड टू, बेयर आपका जो के है वो कॉन्स्टेंट है। उसके बाद आपने इस वाली इक्वेशन में मॉड ले लेना है टेकिंग बोथ साइड। उसके बाद देखिए मॉड लेने के बाद आपके पास वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ के मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाय जेड माइनस जेड टू, तो इसका वैल्यू लैम्डा हो जाएगा, और इसको आपने इक्वेशन नंबर वन ले लेना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुका है। पहले हमारे पास क्या था, हमने जो पुट किया था लैम्डा को जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू, तो सेम इसी में हमारा ये वाला इक्वेशन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सो अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल, कौन से प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में, और ये हमारा था कौन से प्लेन में, जेड प्लेन में, जिसका इनवर्स पॉइंट क्या है, डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू विच आर दी ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड वन एंड जेड टू, ये किसका ट्रांसफॉर्म है फ्रेंड्स, जेड वन और जेड टू का। उसके बाद देखिए हैंस अ सर्कल इन जेड प्लेन ट्रांसफॉर्म इन टू अ सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन बोज इनवर्स पॉइंट आर डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड वन एंड जेड टू। तो जो हमने पहले प्लेन लिया था वो जेड प्लेन में लिया था, जिसका इन्वर्स जेड वन और जेड टू में था, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक नया सर्कल आया इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो किस प्लेन में, हमारा डब्ल्यू प्लेन में, जिसका इन्वर्स पॉइंट डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि विच शोज दैट बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल इन टू सर्कल, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ से हमारे वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।